शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज कोरोना महामारी के चलते हिंगनघाट शहर में स्कूल कॉलेजों में दिखी शांतता। स्कूल स्टाफ द्वारा ही किया गया ध्वजारोहण। शासकीय कार्यालय में नियमों का पालन करते हुए उत्साह से ध्वजारोहण किया गया। स्कूली बच्चों की कमी के वजह से उत्साह में कुछ कमी जरूर दिखी, लेकिन शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहीं भी किया गया नहीं था। कोरोना नियमों के पालन के साथ ही संपन्न हुआ हिंगनघाट का ध्वजारोहण। 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इस कोरोना महामारी के चलते हुए हिंगनघाट शहर में शासकीय एवं निम्न शासकीय कार्यालयों में मनाया गया, लेकिन प्रतिवर्ष जिस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, उस प्रकार का आयोजन इस बार कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिला। शहर में सभी जगहों पर कोरोना नियमों का पालन करते ही झंडा फहराया गया। सभी शासकीय कार्यक्रम का आज शहर के स्कूल कॉलेज सुनसान दिखे, तब स्कूल कॉलेज प्रशासन ने सभी कोरोना नियमों का पालन करते झंडा वंदन किया। स्कूल कॉलेज में सभी विद्यार्थियों की संख्या काफी कम स्पष्ट नजर आ रही थी। उप विभागीय कार्यालय में शासकीय कार्यक्रम में उप विभागीय अधिकारी चंद्रमान खंडई द्वारा झंडा फहराया गया। शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाद में शहर की कुछ सामाजिक संस्था सामाजिक व्यक्तियों का स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया। कोरोना महामारी के चलते कोविड योद्धा डॉक्टर्स, उप जिला रुग्णालय के अधीक्षक डॉक्टर चाचरकर और उनके टीम का भी स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। उसके साथ अन्य कोविड योद्धा का सम्मान भी किया गया। उप विभागीय पुलिस कार्यालय में DYSP भीमराव टेड़े इनके हाथों ध्वजारोहण किया गया। पुलिस स्टेशन हिंगनघाट में शहर के थानेदार सत्यवीर बंडीवार इनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तब सभी अधिकारियों ने इनबीसीएन न्यूज चैनल के द्वारा अपनी बातें रखी और जनता के लिए शुभ संदेश दिए। इनबीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट की यह रिपोर्ट। पूर्वकीय कार्यालय मध्ये 15 ऑगस्ट प्रत्येक वर्षीच्या 15 ऑगस्टमध्ये या 15 ऑगस्टमध्ये काय फरक जाणवला कोरोनामुळे याबद्दल इतर साहेबांना काय म्हणतात? हा आता यावर्षीच्या 73वा वर्धापन दिन आहे संघटनेचा आणि राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार यावर्षी जो कार्यक्रम आयोजित करायचा होता तो कोविड अंतर्गत सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कचा वापर करणे आणि स्वच्छता ही घेऊनच कार्यक्रम पार पडावा आणि जास्त गर्दी होऊ देऊ नये हे पण त्याच्यामध्ये बंधन होते। तरी पण बऱ्यापैकी इथले अधिकारी लोकप्रतिनिधी सामान्य नागरिक आपल्या यात्रा वर्धापनदिनानिमित्त हिंगनघाट उपविभागाच्या आपल्या शासकीय मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रमाला हजर राहिले। या कार्यक्रमाला विशेष करून जे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये डॉक्टर्स, स्वच्छता कर्मचारी, त्याचप्रमाणे आरोग्य सेवक आणि जे कोविड अंतर्गत जे पॉझिटिव्ह होते ते दुरुस्त झाले त्यांना विशेष आमंत्रित करण्यासाठी सूचना शासनाच्या होत्या, त्यानुसार आम्ही आमंत्रित केलं। त्याचप्रमाणे कोविड अंतर्गत आपल्या उपविभागामध्ये ज्या सेवाभावी संस्था आहेत, जवळपास 10 सेवाभावी संस्था आमच्या नोंदणीप्रमाणे होत्या, त्यांना शासनाच्या वतीनं सील आणि प्रशस्तीपत्र देण्याचे निर्देश होते, ते सुद्धा आम्ही आज वाटप केले। याच्यामध्ये या संस्थेचा जरी आम्ही सत्कार केला तरी पण त्यांनी स्वतःची अशी वैयक्तिक इच्छा नव्हती, परंतु शासनाच्या निर्देश सोबतच याच्यामध्ये बरेचसे काही संस्था आहेत, छोट्या मोठ्या काही वैयक्तिक कुटुंब आहेत, यांनी सुद्धा सहभाग दिला। तर प्रत्येकाचं नाव इथं त्यांनी अपेक्षित नव्हतं, परंतु या संस्था आमच्या संपर्कामध्ये आल्या, त्यांनी उत्तरदायित्व दाखवलं आपल्या समाजाप्रती, तर त्यांचा सत्कार त्यांचे नावं आम्ही पाठवले होते। काही लोकांवरती त्या बाबतीत अन्याय झाला असेल तरी आम्ही प्रशासनावरती प्रशासनाच्या वतीनं दिलगिरी व्यक्त करतो, परंतु सर्वांचा सहभाग आहे, त्यामुळेच एवढा मोठा कोविड जो आहे आपल्याकडे महामारीचा प्रसंग आला, त्याला आपण सर्व प्रशासनातील पोलीस झाला, आरोग्य झाला, महसूल झाला, शिक्षण विभाग, पंचायत समिती, सर्वांनी चांगला सहभाग दिलेला आहे, तर असाच सहभाग पुढेही राहील। आणि हाच म्हणजे आजच्या सरकार दिनाला मी सांगू इच्छितो। धन्यवाद। हा स्वातंत्र्य दिन आहे आपल्या भारताचा, तेव्हा कोरोना महामारी तेव्हा
युवाएसची के एस आहेत इंजन घाटी यांच्याकडून काही जाणून घेऊ काय संदेश येत असते जनतेला आणि काय म्हणणं आहे त्यांचं कोरोना महामारीनंतर 15 ऑगस्ट कसा वाटतो. नमस्कार. आज स्वातंत्र्यदिनासंदर्भात मुंगाटोबाबतीतील सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा. पोलीस विभागातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. ह्या महामारी संदर्भात सध्या शांतता आहे. लोकांनी शासनाचे नियम घालून दिलेले आहेत ते पाळले पाहिजेत. सोशल डिस्टन्सिंग ठेवलं पाहिजे. आवश्यकता असेल तर घराच्या बाहेर पडलं पाहिजे. सध्या आता महामारीचा प्रसाराचा वेग वाढलेला आहे त्यामुळे लोकांनी खूप सतर्क राहणं गरजेचं आहे. हा जो आला आहे कोरोना महामारीचा आला आहे तेव्हा आपण जाणून घेऊ भंडीवर साहेबाकडून काय संदेश आहे 15 ऑगस्ट सर काय संदेश आहे 15 ऑगस्ट. आज 15 ऑगस्ट हा राष्ट्रीय सण आहे. आपण नेहमीच हा सण फार उत्साहानं साजरा करत असतो. खूप मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची मुलांची सर्व नागरिकांची गर्दी होत असते. परंतु यावेळेसचा 15 ऑगस्ट हा कोरोना कालावधीत आला असल्यामुळे डिस्टन्सिंग राखून मास्क वगैरे घालून ज्या पद्धतीनं साजरा करायचा होता त्या पद्धतीनं तो पोलीस स्टेशन सर्व आस्थापना तसेच माननीय SDM साहेबांच्या कार्यालयामध्ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम झाला तिथेसुद्धा सर्व नागरिकांनी डिस्टन्सिंगचं पालन केलं. त्यामुळेच आपण कोरोनाचे युद्धामध्ये यशस्वी आहोत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर त्याचा प्रादुर्भाव आपल्या इथे राहिला नाही. अशाच पद्धतीने नागरिकांनी भविष्यात जे काही सण उत्सव आहेत त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करावं. शासनाने दिलेल्या सूचनांचं व्यवस्थित पालन करावं. स्वतःही काही बाबीचं अध्ययन करून या कोरोना युद्धामध्ये आपल्याला कसं जिंकता येईल या दृष्टीने आपली जबाबदारी पार पाडावी असं मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो. धन्यवाद. आज 15 ऑगस्ट प्रत्येक वर्षीच्या 15 ऑगस्टमध्ये आणि या 15 मध्ये काय फरक जाणवत आहे आपण जाणूया कोरोना युद्धा यांच्या फोटोवर. या वर्षीच्या आणि प्रत्येक वेळेस होणाऱ्या 15 ऑगस्टच्या फक्त एवढंच आहे फरक की यावेळची जी कोरोना महामारी आहे त्याच्यामुळे जो प्रादुर्भाव होऊन राहिला त्याच्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा जो वापर करायचं सगळ्यांना सांगितलं होतं त्या उद्देशाने थोडी शांतता असल्याने आणि तसेच सोशल डिस्टन्सिंगमुळे गर्दी कमी असल्याने यावेळचा 15 ऑगस्ट हा खूप शांततेत आणि कमी लोकांच्या सान्निध्यात पार पाडलेला आहे. तसेच यावेळेस लोकांना प्रत्येक वेळेस सांगण्यात आलेलं आहे की सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करा, घराच्या बाहेर पडू नका, अत्यावश्यक काम असेल तरच घराच्या बाहेर पडा, वारंवार सॅनिटायझरचा वापर करा, मास्कचा वापर करा. या उद्देशाने सर्व जनतेने चांगला आम्हाला सहभाग दिला. हे बडे धूमधाम से शहर में मनाया जाता है और स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करके और सारी चीज़ें बच्चे वगैरह आके ये सब मनाया जाता है. लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से आज स्कूल में बच्चों की कोई उपस्थिति नहीं है. तब हम पहुँचे अभी रत्न विद्या निकेतन यहाँ और स्कूल के प्राचार्य श्री यादव सर इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार रहा इसका इस साल का 15 अगस्त. सर किस प्रकार रहा इस साल का 15 अगस्त एकदम सुना रहा सर. कैसा है देश आज़ाद हुआ जिस तरह अपन हर साल मनाते हैं 15 अगस्त बच्चों के साथ. लेकिन क्या है इस साल कोरोना के आने की वजह से अपन ने क्या है यहाँ पर सिर्फ जो गवर्नमेंट आदेश आया था सिर्फ 5 लोग मिलकर के 15 अगस्त करना उस रोल को हमने फॉलो करते हुए हमने जहाँ तक हो सका हमने हमारी तरफ से जितनी कोशिश करके धूमधाम से 15 अगस्त को मनाया सर. क्या कमी लगी सर हर वक्त के 15 अगस्त में और इस साल के 15 अगस्त में जब बच्चे नहीं आपके स्कूल में तो आप में क्या कमी जानी है. सर एक सीधी सी बात है जिस तरह घर में एक लड़का ना हो तो बच्चों माँ बाप को किस तरह लगता है ठीक उसी तरह मेरे स्कूल में आज बच्चे नहीं है तो मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे बच्चे कहे कि क्या मेरे घर में नहीं है इस तरह की मेरे पास फीलिंग हो रही है सर. और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल रहते थे सर इस साल नहीं रखे उसकी क्या खंत है आपकी इसमें. सर क्या है सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्या है बच्चों के अंदर क्या है स्टेज देरी आती है सर बच्चों के अंदर एक अलग खुशी आती है और जैसे ही अगस्त का महीना चालू होता है सर हमारे अंदर क्या है एक अलग सी फीलिंग आना चालू हो जाती है. देशभक्ति प्रोग्राम लगाओ देशभक्ति गाने सुनो देश के बारे में सबको और बच्चों को क्या है सर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है. हर तरह का जो प्रोग्राम होता है और स्पेशली जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी नेशनल फेस्टिवल्स है ये फेस्टिवल सर अपन मनाते हैं तो क्या है देश के लिए अपन एक संदेश देते हैं कि हम देश की रिस्पेक्ट करते हैं. और सर मैं इस चीज़ आपके TV के माध्यम से ये कहना चाहूँगा जो कोरोना वायरस है
डॉक्टर, सफाई कर्मी, ये सब जो लोग हैं इन्होंने जो देश के लिए किया उनके लिए सर मेरा बहुत बहुत नम नम सलाम, और मैं उन सभी कोरोना वायरस को मैं सैल्यूट करता हूँ।